जिला मंडी में शिवरात्रि महोत्सव को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा की अध्यक्षता में आम सभा आयोजित की गई। बैठक के दौरान शिवरात्रि महोत्सव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि महोत्सव ऐतिहासिक पटेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से 21 फरवरी तक शिवरात्रि महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान 15 फरवरी को पहली जलेब निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के दौरान ट्रैफिक की समस्या बहुत देखने को मिलती है, जिसके लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि शिवरात्रि के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं में बहुत पैसा खर्च किया जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार हिमाचल के कलाकारों को अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव की एक संध्या में ही बाहर से कलाकार बुलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहली मर्तबा शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और उनके स्वागत के लिए मंडी शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। आज हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला जो 13 तारीख से 21 तारीख शुरू होगा, 13 तारीख को देवता देव कपूर जो हैं वो उस दिन हमारे इसमें आएंगे और 14 से हमारा भी दिवस रूप से जो है शिवरात्रि का महोत्सव शुरू होगा। उसी के लिए जनरल हाउस के हमने सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की आज मीटिंग की और उनके सुझाव जो थे उनके हमने विचार किया और अच्छे सुझाव भी आए और उसके बाद जो है फैसला लिया गया कि किस तरीके से हमने जो है शिवरात्रि को मनाना है। उसमें सबसे बड़ा जो मसला था कि हम क्या पटल में करें या कि पटल ग्राउंड को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कि अल्टरनेटिव रूट पे हम जो है जो ग्राउंड की पर हम शिवरात्रि करें, परंतु सभी की चर्चा के बाद हमने फैसला लिया कि इस वर्ष क्योंकि देर हो चुकी है, समय कम है और एक हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जो है विक्टोरिया ब्रिज की है जो अभी छोटा है और इसी वर्ष हमारे लगभग अक्टूबर नवंबर तक जो है जो बड़ा ब्रिज हमारा बन रहा है वो तैयार हो जाएगा। हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फैसला लिया कि इस वर्ष जो है शिवरात्रि पटल में मनाई जाएगी और पटल में हमारे जो रात्रि कार्यक्रम है उसको भी हमने यही फैसला लिया कि मंडी की ट्रैफिक को देखते हुए और एसपी साहब के दिशा निर्देश के ऊपर हमने ये फैसला लिया कि हम जो है रात्रि कार्यक्रम भी वहीं रखेंगे। खर्चा बचाने के लिए क्योंकि हमारा जो बाहर से हमारे कलाकार आते हैं उन पर हम बहुत खर्चा करते हैं, तो अपने हिमाचल के कलाकारों को मौका दिया जाए और इस मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया कि केवल एक कार्यक्रम जो मेन कार्यक्रम जिस दिन मुख्यमंत्री होंगे उस दिन कोई अच्छा कलाकार जो है उसको बुलाया जाए और एक आधी नाइट जो है कोई पंजाबी कलाकार को बुलाकर हमने प्रयास किया है और ये भी हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि शिवरात्रि के अंदर ट्रैफिक की समस्या को मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब ने कुछ निर्णय लिए हैं उसका भी हमने जो है उसके ऊपर भी विचार किया है और एक यही भी सभी का सुझाव आया और डी साहब से अपने इस बात की भी चर्चा की कि मुख्यमंत्री क्योंकि जिला मंडी से संबंधित है पहला उनका ये शिवरात्रि मेला होगा, पहली बार वो शिवरात्रि की ओपनिंग में आएंगे तो मंडी शहर जैसे पहले दिन आए थे और लोगों ने सारे शहर को एक लाइटिंग वगैरह करके बहुत अच्छा इसको बनाया था तो उस दिन भी हम ये फैसला लिया कि इसको उस मंडी शहर को एक सुंदर सा स्वरूप दिया जाए और एक दुल्हन की तरह इसको सजाया जाए जिससे कि ये महसूस हो कि अब जो मेला है ये कोई एक मुख्यमंत्री जो है पहली बार इस मेले में आ रहे हैं तो कोई अच्छा माहौल सा बने, इस बात पे हमने चर्चा किया है। सभी के सुझाव आए हैं और अगले वर्ष हम प्रयास करेंगे कि देवी समाज से भी चर्चा करेंगे कि क्या स्वरूप दिया जाए, किस स्वरूप के माध्यम से हम जो है मतलब शिवरात्रि यदि बदलने की बात भी आएगी तो उस पर भी हम सभी जो है पहले प्रयास करेंगे और एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि हम उसमें रहते इसका फैसला लेंगे।